खबर बहराइच से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पत्रकारों के साथ मंडल अध्यक्ष एसपी मिश्रा के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया ज्ञापन। बंजर जनपद में नकल माफियाओं के पोल खोलने वाले पत्रकार को गिरफ्तार कर जेल भेजने के संबंध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पदाधिकारी व पत्रकार द्वारा बहराइच में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। वहीं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष एसपी मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब पीड़ित पत्रकार को कहीं कोई सहायता नहीं किया जाता है तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार, प्रदेश महामंत्री सिंह न्याय दिलाने के लिए यहां बीड़ा उठाया है और धरना प्रदर्शन देखकर पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए कहा है। देखिए खास रिपोर्ट अहमद हुसैन के साथ। एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष देवी पाटन मंडल गोंडा बह रहे हैं। आज आपने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, क्या कारण रहा, क्यों ज्ञापन दिया गया? सिटी पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। बलिया में अमर उजाला के पत्रकार को पीटा गया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, उसने खबर छापी थी, पेपर लीक हो गया, तो उसकी गलती नहीं थी, गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसको नाजायज मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। उसी लिए जब उसका कोई सहारा नहीं हुआ पत्रकार का, तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, सौरभ कुमार जी ने, हमारे महामंत्री महेंद्र सिंह जी ने, प्रफुल्ल जी ने, इन लोगों ने बीड़ा उठाया कि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करके हम पत्रकार को आज़ाद कराएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की प्राथमिकता पत्रकारों की सुरक्षा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कोई आश्वासन दिया है क्या? सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि ये पत्र जो आपने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को हम सीधे राज्यपाल को भेजेंगे। धन्यवाद।